देश रोजाना, मैं हूँ स्मिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सक्सेस टॉक्स में, जिसमें हम आपको एक ऐसी प्रतिभा से आज मिलवाएंगे जिनसे मिलना सबकी लालसा होती है, जानने के लिए कि उस पद तक पहुंचने के लिए इस शख्सियत ने कितना लंबा सफर तय किया, क्या क्या अड़चनें आई, क्या क्या रुकावटें आईं और उसके बाद सफलता कैसे हासिल की। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस ऑफिसर हैं हितेश मीणा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उसके बाद उनकी जर्नी यहाँ तक पहुँचने की जानेंगे उन्हीं की जुबानी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर सक्सेस टॉक्स एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम ऐसी शख्सियतों के बारे में बात करते हैं जो साधारण परिवार से हैं और फिर बहुत सारी विफलताएं या बहुत सारी चुनौतियों के बाद एक सफल मुकाम उन्होंने हासिल किया है। आप तमाम चुनौतियों के बाद, तमाम अड़चनों के बाद एक अच्छे सफल पद पर आज बैठे हैं, आसीन हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक मध्यम परिवार से आप हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं एक ऐसे इंसान की राह में जो मिडिल क्लास फैमिली में रहता हो, बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचने का कैसा रहा। मैं जैसे हर किसी ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किए होते हैं, तो नो डाउट इन दैट मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। एंड मैं तो इवन ये भी कहूँगा कि अगर लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो उस लाइफ को जीने का आनंद ख़त्म हो जाता है। तो मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ एंड मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। एंड आपको जो मेरी पूरी जर्नी है मेरे लिए बड़ी इंजॉयबल रही है एंड कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरे को किसी चीज़ का गम है कि मैं ऐसा घर में क्यों पैदा हुआ और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इंसान को किस घर में पैदा होना है वो उसके हाथ में नहीं है। वो अगर गरीब घर में पैदा होता है तो वो उसके हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब रह कर ही मर जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी विफलता दिखाता है। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। राजस्थान के करौली से आपका ताल्लुक है, करौली ज़िले से आप हैं, 417 रैंक आपने पाया 2018 के एग्ज़ाम में। तो एक तैयारी करना कि आप एक सरकारी स्कूल से आपकी शुरुआती जो शिक्षा थी वो हुई, एक माइंडसेट है आज के लोगों का कि अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं, आपका माध्यम शुरुआती माध्यम सरकारी स्कूल रहता है, तो आप एक बड़े ऊंचे पद पर नहीं जा पाते हैं। वो जो एक माइंड थॉट है उसको आपने चेंज किया है कि शुरुआती शिक्षा आपने सरकारी स्कूल से ली, लेकिन आज एक ऐसे पद पर आप हैं जो लोगों का सपना होता है, तो वो कैसी जर्नी रही आपकी कि मतलब उस चीज़ को क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि जिस परिवेश से मैं आके अगर इस मुकाम हासिल कर सकता हूँ तो दुनिया का और भारत का हर एक बच्चा इस मुकाम को हासिल कर सकता है। एंड मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी, जैसे आपने बताया, एजुकेशन बैकग्राउंड, प्राइमरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुई है मेरे गांव से, एंड मिडिल एजुकेशन है वो मैं करौली हेडक्वार्टर पर प्राइवेट स्कूल से किया था। एंड देन टेंथ में जब आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है और आपको गाइडेंस थोड़ा सा नहीं पता होता अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो ज़्यादातर एक कंसेप्ट है कि भाई या तो IIT में चले जाओ या मेडिकल में चले जाओ। तो मैं IIT की प्रिपरेशन के लिए कोटा चला गया था। 11th 12th मैंने वहाँ तैयारी करी और 12th के साथ IIT BHU में सिलेक्शन हुआ मेरा। तो IIT BHU से मेरा BTech है सिविल इंजीनियरिंग में। तो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो IIT में सिलेक्शन था। बिकॉज IIT से जाने से पहले मेरे की एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिली, बट IIT में मेरा जो एक्सपोजर रहा और वहाँ एकेडमिक्स की लर्निंग रही उससे कहीं ना कहीं मेरे को मेरा हेल्प हुई कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। एंड उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से MTech किया और साथ साथ प्रिपरेशन करी। तो पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ था और देन सिविल सर्विस में मुझे IAS मिला। एंड आफ्टर कमिंग इन टू सर्विस मैंने LLM कंप्लीट कर लिया है NLU दिल्ली से, और साथ में ही मेरा MA है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में JNU से। तो जो कहीं ना कहीं ये जर्नी है वो मेरी शुरू से मैं लकी भी रहा और मेरी जो गाइडेंस रही मुझे स्पेशली आफ्टर कॉलेज वो राइट डायरेक्शन में मिली। इनिशियली मैं एक ये थॉट था कि एक ऐसी सर्विस चाहिए कि जिसमें लोगों की डायरेक्ट डीलिंग हो और लोगों का लाइफ बदलने का मौका मिले, आपके पास अथॉरिटी हो फाइनेंशियली ऑल्सो भी और लॉफुली ऑल्सो। तो एक ऐसी पोस्ट
IAS भी है, IPS भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है जिनमें अथॉरिटी रहती है। तो मेरा इनिशियली मैं ऐसा नहीं था कि मुझे IAS ही बनना था, मतलब इस टाइप के थॉट ऑफ थे कि एक ऐसी पोस्ट चाहिए। कॉलेज में वो रहा कि भाई अभी या तो मैं इंडिया से IIT में आपके पास ऑप्शन होता है कि प्लेसमेंट ले लो, या फिर इंडिया से बाहर चले जाओ या हायर स्टडीज़ कर लो। मुझे था इंडिया में ही रहना था अपने पेरेंट्स के पास, और कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कहा इंडिया से बाहर रह के भी लोगों को सब कर सकते हो, बट दैट इज़ वेरी इनडायरेक्ट सर्वे। इंडिया में रह के IAS जैसी पोस्टों पे आके आप लोगों की डायरेक्ट मदद कर सकते हो, लोगों की लाइफ बदलते हुए आपके डिसीजन से आप वो फील कर सकते हो। तो इसीलिए मैं इंडिया में रहना चाहता था, और गवर्नमेंट सेटअप में वो एक IAS ऐसा मुकाम है, इसलिए ये एग्जाम अपीयर करी और वो लिखा। आपके पिताजी टीचिंग फील्ड से थे, माताजी गृहिणी हैं, परिवार में कोई और IAS ऑफिसर नहीं था। बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चे के लिए समझना कि यार इस फील्ड में जाएं तो कैसे जाएं। चुनौतियां भी होती हैं, बहुत सारे सवाल भी होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा नज़र आते हैं कि कोई गाइड करे तो पहुँचें। तो आपको किसी ने गाइड किया, या आपके दिमाग में क्या बचपन से था कि एक IAS ऑफिसर बनूंगा तो ऐसा कर सकूंगा, ऐसा कर सकूंगा? डेफिनेटली एक फैमिली में सर्विंग में ब्यूरोक्रेसी में नहीं होने का आपको एक थोड़ा सा लॉस होता है कि आपको राइट गाइडेंस नहीं पता होता और उनकी वर्किंग नहीं पता होती, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो होता है। तो इस चीज़ थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को फील किया, और लेकिन जब कॉलेज में मैं गया तो कुछ मेरे सीनियर थे जो कि सर्विस में थे, उनसे इंटरेक्शन रहा, एंड यूट्यूब पे और बहुत सारे मीडिया चैनल्स के हाउसेस पे बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि सिमिलर बैकग्राउंड के रहते हैं, तो उनसे देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस टाइप की इंस्पिरेशन मेरे पास थी, और फिर अपनी जो एक ऑनलाइन मैंने वीडियोस देखे एक IAS का क्या प्रोसीजर रहता है, प्री मेंस इंटरव्यू के सिलेबस क्या हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन चीज़ों पर फोकस किया। तो उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो पाया मैं। और डेफिनेटली आपके अगर फैमिली में, जैसे मैं आपने बताया मेरे फादर साहब गवर्नमेंट टीचर हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो इनिशियली बहुत एक आपको डीमोटिवेशन होता है कि मैं सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा। तो वो आप जब प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में करते हो और आप टेस्ट सीरीज लिखते हो और आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आते हैं, तो आपको डे बाय डे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाता है कि हाँ ये एग्जाम मैं भी निकाल सकता हूँ। हाउएवर यू आर नॉट 100% सर्टेन कि निकल ही जाएगा, बिकॉज UPSC इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। बट हाँ, आप अपनी साइड से अगर कॉन्फिडेंट हो और सिंसियरली डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड इन एनी टारगेट विच यू हैव सेट। आपने CSE एग्जाम 16 में दिया, 17 में और फिर 18 में, ST टॉपर हैं आप SC कैटेगरी से, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आपने टॉप किया? मम्मी का क्या कहना था, मम्मी को कैसा लगा, पापा ने क्या रिएक्ट किया, भाई बहनों को कैसा लगा? आपकी एक सिस्टर जो हैं वो टीचिंग फील्ड से भी हैं, तो उनका क्या कहना था कि पहले आप IAS ऑफिसर बने हैं अपने परिवार में? डेफिनेटली दे वर हैप्पी। एक्चुअली एक जो बच्चा कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसको एक सुकून उस चीज़ का मिलता है कि उसकी वजह से पेरेंट्स के फेस पे खुशी है, पेरेंट्स को सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल रही है। तो जब रिजल्ट आया था तो इनिशियली तो सब लोग खुश थे इंक्लूडिंग मी, एंड आपको उस टाइम ये पता नहीं होता है कि कौन सी सर्विस मिलेगी, जस्ट रिजल्ट आता है, आपके मार्क्स भी नहीं आते डे वन में। तो मैं UPSC का जो बिल्डिंग है धौलपुर हाउस, वहीं पर ही मैं अपना रिजल्ट देखने गया था। वहाँ नोटिस बोर्ड पे वो लोग लगाते हैं, UPSC की वेबसाइट पर रिजल्ट थोड़ा सा आधे घंटे बाद आता है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ UPSC भवन ही चला गया था, वहाँ पर आधे घंटे पहले लग जाता है। तो मैंने वहाँ लिस्ट में नाम देखा तो मेरा था, तो खुशी तो बहुत थी नो डाउट इन दैट, बिकॉज जो आपने ड्रीम सेट किया था वो अचीव हो गया था, एंड अपने पेरेंट्स को बताया वो भी खुश थे। एंड एक बेनिफिट ये होता है कि अब एक बार आप सर्विस में आने के बाद आपके जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, वो भी आपसे इंस्पायर होते हैं, और जो बच्चे छोटी क्लासों में हैं आपके जूनियर हैं, वो फिर उसी इंस्पायर होकर उन्हीं एग्जामों की तैयारी स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं भी IAS हूँ, मेरी वाइफ भी IAS हैं, तो मेरा छोटा भाई अभी वो IIT कानपुर में है BTech फाइनल ईयर में, वो भी IAS की तैयारी कर रहा है। तो और भी रिलेटिव्स में हैं वो लोग, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो सारी फैमिली को खुशी होती है नो डाउट। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और 2019 में फिर आपको हरियाणा कैडर मिला, गुड़गांव में पहली पोस्टिंग मिली, उसके बाद अम्बाला। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपने जैसा शुरू में अभी मुझसे कहा कि आपने सोचा था कि एक ऐसी सेवा में जाना है कि जहां आपको फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो आप, और आपको कानून भी आप
इस्तेमाल कर सकें, वो चीज़ें वो अधिकार की भाई आपको सेवा करनी है पब्लिक की। तो आप राजस्थान से हैं, हरियाणा कैडर मिला, यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, यहाँ की जनता की समस्याएं थोड़ी भिन्न थी। डेफिनेटली जब आप मेंस निकाल लेते हो तो एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उसमें आपके कैडर चॉइसेस भरते हो और सर्विस की प्रेफरेंसेस भरते हो, बाद में रिजल्ट के बाद आपकी रैंक के हिसाब से आपको कैडर एलोकेशन होता है। एंड जैसे कि आपने बताया, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ एंड मुझे एज पर कैडर एलोकेशन हरियाणा अलॉट हुआ था, तो हरियाणा का मोर ऑर लेस लैंग्वेज कल्चर एंड इज द ऑलमोस्ट सेम। तो मुझे काफ़ी चीज़ें हरियाणा के बारे में पहले भी पता थी एंड यहाँ पे आने के बाद और डिटेल्स में जब कैडर एलोकेट हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे चीज़ें बताई जाती हैं। हमारी एक साल की अकेडमी की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, तो वहाँ पे आपको जो कैडर एलोकेट होता है उस चीज़ के बारे में भी आपको ब्रीफ किया जाता है। तो यहाँ जब मैं अकेडमी में था तो मुझे चीज़ें बताई गई, तो मुझे और चीज़ें हरियाणा के बारे में पता चली। एंड डेफिनेटली एक डिफरेंट स्टेट में काम करने का एक अपना अलग अंदाज होता है। एंड मुझे अभी तक मेरी जो पोस्टिंग्स रही हैं, चाहे गुड़गांव की पोस्टिंग हो, अम्बाला की, और मेरी थर्ड पोस्टिंग पलवल की है, अभी तक मेरा हरियाणा का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। ये कहते हैं कि प्रशासनिक सेवा में बड़ा पद होता है IAS अधिकारी का, और बहुत सारी उम्मीदें जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर आप काम करते हैं, जिस जिले में आप होते हैं, वहाँ की जनता को भी आपसे रहती हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बैठी थी, वेट कर रही थी आपके इंटरव्यू का, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग आए, आपको अपनी समस्याएं बताईं, और आप उनकी समस्याओं का अपने स्तर पर जो भी निदान है वो कर ही रहे होंगे। तो इस चीज़ के लिए आपने क्या सोचा है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसे सॉल्व करनी है, पब्लिक की प्रॉब्लम्स को लेकर कि उनका सोल्यूशन कितनी जल्दी निकल सकता है, इस तरीके की कौन सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पलवल में देखने को मिली जिसका निदान आप अपने आने वाले समय में करेंगे? डेफिनेटली जब मैंने इवन दो फर्स्ट टाइम मतलब नॉट ओनली IAS बनने की, जब मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में क्या करूँगा, तो एक ऐसी पोस्ट के लिए सोचा था कि जिसमें जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, चाहे भली वो आपके फिजिकल डिसेबल पर्सन हो गए, ओल्ड एज पर्सन हो गए, ऑर्फन्स हो गए, आपके मेंटली रिटायर्ड पर्सन हो गए, मेंटल इलनेस वाले, या फिर वोमेन हो गए या चिल्ड्रन हो गए, तो एक इसमें जैसे आप ग्रीवेंस सिटेशन में लोग आते हैं, तो जब उस टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी मोटे ये था कि इस सेक्शन की सबसे ज़्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो हमें फोकस करना ही है। एट द सेम टाइम आप ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट पर फोकस करोगे, तो ग्रीवेंस सिटेशन में जब भी लोग आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी हेल्प करके कहीं ना कहीं जो मेरा लाइफ ऑफ मीनिंग था वो फुलफिल हो रहा है, द पर्पज वाई विच आई वॉन्ट टू कम इन दिस सर्विस जो फुलफिल हो रहा है। तो जितने भी लोग आते हैं मैं उनकी एज सून एज पॉसिबल उनकी जो भी प्रॉब्लम का नेचर होता है उस हिसाब से रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। एंड मंथली मैं उनकी रिव्यू मीटिंग भी लेता रहता हूं, जहां पे उन मैंने आगे कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। एंड स्पेशली कुछ चीज़ों पर मैं यहाँ पर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तो हर एक ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, वो करते ही हैं, उसके साथ साथ मैं जो एक्स्ट्रा उन चीज़ों पर फोकस करता हूँ जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द लाइफ स्टाइल मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी, जैसे आप ग्रामीण परिवेश में जब आप होते हो तो आपको पता है कि कैरियर काउंसलिंग भी नहीं मिलता, राइट गाइडेंस नहीं मिलती है आपको, तो मैं यहाँ इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कैरियर काउंसलिंग पे काम कर रहा हूँ। 9th to 12th वाले सरकारी स्कूल के बच्चों का एक सर्वे करा के वो लोग जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जिस सर्विस में जाना चाहते हैं, उनकी वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं हम, उसमें उनको बताते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी ऐसे करानी चाहिए ऐसे, और इस सर्विस में आने के बाद ये वर्क रोल होता है, ये उसका प्रोसीजर है पढ़ने का, सेलेक्ट होने का, ताकि एक जो बच्चे जिनकी फैमिली में कोई नहीं है उन सर्विसों में, उनको गाइड करने वाला नहीं, उनके पास फाइनेंशियल इतनी वायबिलिटी नहीं कि वो कोचिंग ले सकें, उनको हम राइट गाइडेंस राइट टाइम पर देते हैं ताकि वो अपना एक ड्रीम जो है उसको चुन सकें। एंड हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करने का होता है जो मैं यहाँ पर पलवल में ट्राई कर रहा हूँ कोशिश। आपका बार बार इशारा कि समय की कमी है, लेकिन फिर भी एक और आखिरी सवाल आपसे, जो युवा दर्शक हमें देख रहे हैं, खासकर वो जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सबके मन में ये सवाल हमेशा रहता है, चाहे वो परफेक्ट हैं, तैयारी कर चुके हैं, उम्दा छात्र हैं, लेकिन ये सवाल कि यार मैं कर पाऊँगा क्या, तो ऐसे छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे जो UPSC की तैयारियों में जुटे हुए हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो एक दो बार विफल रहे हैं फिर भी तैयारियां कर रहे हैं, कि वो कैसे खुद को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन खासकर ऐसी लोगों को देखकर, ऐसी प्रतिभाओं को देखकर ज़्यादा आता है जो उस मुकाम, जो सफ़र से गुजरते हुए एक मुकाम तक पहुँची हैं, आप उनमें से एक शख्सियत हैं, तो ऐसे युवाओं से क्या कहेंगे? डेफिनेटली UPSC की जर्नी में ऐसे बहुत समय आता है जब आपको डीमोटिवेशन होती है और सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं निकाल पाऊँगा, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल एक्चुअल में।
अगर देखा जाए तो आपको अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, इट मीन्स यू आर इन टू राइट डायरेक्शन। तो अगर ऐसे आते हैं तो देखो आपके मोटिवेशन फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, किसी के पर्सनल होते हैं, किसी के कुछ पब्लिक होते हैं और किसी के दोनों ही होते हैं। तो आप पब्लिक मोटिवेशन फैक्टर, आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं तो वो हमेशा याद रखें, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे एंड आप लोगों की हेल्प करना चाहते थे। तो आपको दिन और रात वही देखना चाहिए कि मैं अगर इस एग्जाम के लिए सही से पढ़ूंगा, निकाल पाऊंगा, तभी मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। मैं आपको अगर मेरी लाइफ का स्टोरी बताऊं तो मेरे लिए बहुत सारे पर्सनल फैक्टर ऐसे थे जो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। मैं कभी किसी फंक्शन में गया, सपोज़ मेरे पेरेंट्स बिल्कुल लास्ट रो में बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऐसा क्या करूं ताकि मेरे पेरेंट्स लास्ट रो से फ्रंट रो में आ जाएं। तो डेफिनेटली आप एक कुछ ऐसे मुकाम अचीव कर लो ताकि सोसाइटी में आपके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट बढ़ जाए। तो IAS इज़ वन ऑफ देम, मतलब आपके लिए पब्लिक पर्सनल मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। हर एक का चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया होता है। मैं कभी सपोज प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में कहीं वेट कर रहा हूँ, आप देखते हो कि बस स्टैंड पे ट्रेन स्टेशन पे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज रातों को भूखा सोते हैं, आज रात का खाना मिल गया तो उन्हें सुबह के खाने की गारंटी नहीं है। तो उन लोगों को देख के भाई इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप इतने फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है कि उनको विदाउट गोइंग इन टू एनी जॉब आप उनकी हेल्प कर सको, या फिर किसी पॉलिसी के थ्रू एज एन आम जनता उनकी हेल्प नहीं कर सकती। तो आप ऐसी पोस्ट पकड़ो जहाँ पे फाइनेंशियल अथॉरिटी हो, आपको लॉफुली पावर दी गई हो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की, सो दैट उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सको। तो ये मोटिवेशंस हैं जो आपको इवन सोने नहीं देते हैं। मैं तो कहीं भी जाता था, एक ऐसा स्टेज आ गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हुआ हूँ, मतलब मैं पढ़ क्यों नहीं रहा। ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैं सपोज किसी शादी में गया हूँ तो मुझे लगता था मैं इस शादी में नहीं भी आता तब भी शादी हो ही जाती, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब रात दिन वो IAS ही दिखता है। हाँ, आप टेस्ट सीरीज लिखो और उससे आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। टेस्ट सीरीज इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन UPSC एग्जाम एंड नॉट ओनली UPSC, इन एनी कम्पिटेटिव एग्जाम। तो जितने भी बच्चे जिनको डीमोटिवेशन होता है UPSC में, उनको घबराएं मत और कॉन्फिडेंट रहें एंड सिंसियर एंड डेडिकेशन, दो तीन चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें। एक, अगर आप सिंसियर हैं तो और सिलेबस टाइमली आप कंप्लीट कर लें, सिलेबस के साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। बिना टेस्ट सीरीज के आपको अपनी गलतियाँ पता नहीं चलेंगी, एग्जाम में नर्वस हो जाओगे आप। मैं आपको बताऊं तो मेरे अटैम्प में मैं इतने टेस्ट लिख चुका था कि जब एक्चुअल एग्जाम लिख रहा था तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं UPSC के एग्जाम लिख रहा हूँ। इट वाज वेरी इक्विवेलेंट टू द टेस्ट सीरीज। मुझे लग रहा था एक आज एक और टेस्ट लिख रहा हूँ, मैं रोज को लिखता ही हूँ। तो उससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है, आपके पेपर नहीं छूटता, जो प्रेजेंटेशन स्टाइल्स हैं वो बेटर हो जाती हैं आपकी, आपको पता नर्वसनेस नहीं आती, इसलिए मिस्टेक्स नहीं होके आती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बैक ऑफ माइंड का एनरिचिंग कंटेंट निकलता है आंसर्स का, तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस इज मस्ट। डीमोटिवेशन हो रहा है, घबराएं नहीं, कॉन्फिडेंट रहें, सिंसियरली डेडिकेट मेहनत करें। और जो एक अच्छी चीज बताई कि ख्वाब वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं, ख्वाब तो ऐसे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो तैयारी करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हितेश मीणा जी, IAS अधिकारी, युवा IAS अधिकारी, जिन्होंने आपको बताया कि उनका सफर कैसे इस मुकाम तक पहुंचा, कैसे उन्होंने एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर एक अच्छा अधिकारी का पद प्राप्त किया और एक वो पद प्राप्त किया जो उनके मम्मी पापा को भी लास्ट रो से फर्स्ट रो तक लेके आया। तो अगर आपके मन में भी ख्वाब हैं, सपने हैं आँखों में, तो वो सो के ना देखें, जगी आँखों से देखें, तभी ख्वाब पूरे होते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और मिलवाएंगे आपको ऐसे ही किसी सफल शख्सियत से। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।